And the countdown begins. 3, 2, 1. Happy New Year! Happy New Year, everybody! Happy New Year, दुनिया की सबसे अच्छी जुजू. Happy New Year, मित्रम. अरे वाह! मार्केट में नए सैंडल्स. मुझे भी चाहिए. मैं ब्रीफकेस भूल गया हूँ जिसमें एक इंपॉर्टेंट फाइल है जो मुझे बॉस को देना है. तुम एक काम करो, फटाफट वो ब्रीफकेस यहाँ भेज दो कैबिन में. ये मैंने क्या किया? ब्रीफकेस की जगह सैंडल्स चले गए. जाना था जापान पहुंच के. जी, व्हाट इज दिस? ब्रीफकेस के बदले सैंडल? ये कहाँ से आ रहा है यार? विकी, कमाल है, ये तो गले लग रही है. मुझे तो लगा था कि गोले बरसाएगी. कल रात की पार्टी के बाद भी इतने अच्छे मूड में. स्वीटी पाई, आजकल तुम कितना सोचने लगे हो? क्या हुआ? कहाँ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ बेबी. हाँ, वो मैं दरअसल ये सोचा था कि मैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर कैसे विश करूँ. शॉर्ट में विश करता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर बेबी. कहाँ नहीं, बल्कि ये बताओ किसके हैं? किसके नहीं बेबी, ये बताओ कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, पर बताओ ना किसके हैं? किसके नहीं बेबी, ये पूछो किसके लिए है? ओह, किसके लिए है? तुम्हारे लिए बेबी, नए साल का तोहफा. तुम्हें बताए, जैसे ही मेरी नजर इन जूतों पर पड़ी ना, मैंने दुकानदार को पैक करने का मौका भी नहीं दिया, फट से लिया, झट से यहाँ आ गया. कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं. और तुम भी बहुत अच्छे हो. तुम सच में मेरे सीरी पाए हो. मैं अभी इन्हें ट्राई करती हूँ. नहीं, क्या? नहीं, गिफ्ट है. ऐसे कैसे दूंगा बेबी? मैं अभी ये जूते लेकर दुकान वाले के पास जाता हूँ, इसे गिफ्ट रैप करता हूँ, फिर लाकर मैं तुम्हें देता हूँ. तुम अपने नरम नरम मुलायम हाथों से गिफ्ट रैप को खोलना और अपने मखमली नाजुक पैरों में पहन लेना. After all, presentation counts, baby. Come on, sweetie pie. हम दोनों के बीच में क्या formality? मैं ये try करूँ, please. Thank you, sweetie pie. I love you. I also. अरे, ये क्या किया मैंने? अरे, briefcase कहाँ है? अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या होगा? जूजू को लगेगा कि मैंने फिर से मस्ती की है. जीनी, तुमने फिर से मस्ती कर दी? What is this? एक काम करती हूँ, फटाफट अपने सैंडल्स वापस लाती हूँ. वाओ, मानना पड़ेगा विकी की चॉइस है बड़ी अच्छी. हाँ, एक ही है, दूसरा कहाँ है? तुम इतना अपसेट क्यों हो? डॉक्टर अंकल, मेरे सैंडल्स अभी यहीं रखे थे और अचानक गायब हो गए. अरे आयशु से प्रिया डिक्री. सैंडल्स? किसके? मेरे. तो गायब क्या हुआ? सैंडल्स. किसके सैंडल्स? मेरे डॉक्टर अंकल. लेकिन तुम्हारे पैर में जो सैंडल्स है वो किसके हैं? मैं इन सैंडल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन सैंडल्स की बात कर रही हूँ जो विकी ने मुझे न्यू ईयर में गिफ्ट किए थे. मैं बस पहनने ही जा रही थी और वो गायब हो गए. अचानक गायब हो गए? ओह, आई सी. एक मिनट प्रिया डिक्री. अरे छपरी बेटा, जी इधर आओ. प्रिया डिक्री के नए सैंडल्स खो गए हैं ऑफिस में.
तुम पूरी ऑफिस छान मारो, ओके? और जल्दी ढूंढ के लाओ, ठीक है? डोंट वरी प्रिया डिक्री, तुम्हारे सैंडल्स मिल जाएंगे। तुम जाकर कैबिन में आराम करो, हाँ? ओके। प्रिया डिक्री को हो क्या गया है? Is she all right? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? दोनों सैंडल्स एक साथ क्यों नहीं आए? यह जादू ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? पिछले 2000 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। और जूजू को ये ब्रीफकेस भी तो भेजना है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे ब्रीफकेस, जिनी व्हाट इज दिस? मैं फोन करता हूँ यार फिर से। So sweet. ये क्या? बाकी का बैग कहाँ है? जीनी! हाँ? ये कैसे हो सकता है? आधा ब्रीफ केस ही गया? इसका मतलब चूचू के पास आधा ब्रीफ केस ही पहुंचा? विकी, चल भाई, बॉस बुला रहे। तो हंस क्या रहा है? अबे हंसू नहीं तो और क्या करूं मैं? चल भाग यहां से। ये क्या मतलब? आधा ब्रीफ केस 50% डिस्काउंट सेल से लेकर आए? अबे यहां टेंशन में मैं आधा हो रहा हूं, तेरे को मजाक सुझे? तू जा यहां से। अबे लेकिन खरीदा कहां से? जीनी शॉपिंग मॉल से। ओ हां, तुझे मालूम है मैं ब्रीफ केस घर भूल गया था। फोन करके जीनी से कहा कि ब्रीफ केस यहां भेजो, उसने ऐसा भेजा। बोल। वाह यार वाह, आधा है चंद्रमा रात आधी तो सुना था, लेकिन ये आधा है ब्रीफ केस और फाइल भी आ दी। अयो सस्ते रिमेक्स, चुप होएगा तू? चिल यार और चल। बॉस बहुत गुस्से में, और आधे गुस्से में नहीं है, पूरे गुस्से में। अरे पता है यार, बॉस ने पूरे फाइल के साथ बुलाया था, अभी आधा फाइल लेके बॉस के पास कौन सा मुंह लेके जाएंगे? ये सब जिनी। चूजू जी, ओ जिनी। हाँ यार जिनी, आधी जिनी कहाँ है? ये क्या मस्ती है? जूजू मैं मस्ती नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो तो दिख रहा है। जूजू आज मेरे साथ सब कुछ अजीब अजीब हो रहा है। मैं जो भी करने की कोशिश कर रही हूँ सब आधा आधा ही हो रहा है। ये देखो आपका ये जो बैग है ये भी आधा ही आया। अच्छा, इंटरेस्टिंग ना। नई कहानी शुरू कर दी इसने। वो एक मिनट, फोन के बाद कंटिन्यू करेंगे। एक्सक्यूज मी। यस विकी। सर एक बात बताओ, अगर एक आदमी तुम्हारे कैबिन से मेरे कैबिन तक 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रहा है तो वो मेरे कैबिन में कितनी देर में पहुंचेगा? सर यही समझ लीजिए, चंद सेकंड्स में पहुंच जाएंगे हम। एब्सोल्युटली राइट। अब एक बात बताओ, क्या तुम -5 किलोमीटर पर स्पीड से आ रहे हो जो अब तक नहीं पहुंचे? फौरन चले आओ। फौरन मतलब फौरन। यस सर, फौरन मतलब फौरन। आई विल बी देयर सर। दैट्स बेटर। जीनी, ये क्या तुम आधी जीनी बनी घूम रही हो? पूरी हो जाओ यार, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ करो करो। ओह थैंक गॉड, तुम पूरी हो गई। पूरी हो गई। अब ये ब्रीफकेस और फाइल भी पूरी कर दो, वरना बॉस इसकी नौकरी अधूरी कर देंगे। हाँ अभी करती हूँ। ये क्या कर दिया तुमने जीनी? अरे बॉस ने फाइल के साथ मुझे और वेला को कैबिन में बुलाया था। अब तो ना फाइल है ना वेला है, मैं करूं तो क्या करूं जीनी? व्हाट इज दिस? जो मैं कोशिश कर रही हूँ ना। जीनी मजाक मत करो, दिस इज अ सीरियस इशू। बॉस ने देखा। चूचू मैं आपके सामने तो कोशिश कर रही हूँ। फोन आ रहा है बॉस का, क्या जवाब दूँ? करो कुछ, करो जल्दी करो, मारो मारो करो। अरे ये क्या नॉनसेंस है यार, तुमने मुझे फ्लाईओवर के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। यहाँ से गाड़ी, वहाँ से गाड़ी, चढ़ जाता मुझ पे। तुम्हारा? अबे तुम्हारा क्या? नहीं ना, चुप रह जीनी, इसके लिए थैंक यू। और सुनो,
हम लोग है ना बॉस के कैबिन में जा रहे हैं, हाँ? तुम चुपचाप घर चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया ना तो बैंड बज जाएगी हमारी। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती। हाँ। क्या हुआ, तुम गई नहीं? मैं नहीं जा पाई, मैंने आपको कहा ना सब कुछ आधा आधा हो रहा है। चलो तो और भी अच्छा हो गया, ना नोमन सेल होगा ना राधा नाचेगी। ये राधा कौन है? तू बाहर चल, तेरे को फोटो बताता। राधा कौन है? राधा कौन है? हट। अच्छा सुनो, हम लोग जा रहे हैं, तुम घर चली जाना। ओके चल चल चल। तुम जाओगी ना? मैं कोशिश करूंगी। जूजू मैं सच कह रही हूँ, आपकी कसम, मैं कोई मस्ती नहीं कर रही, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा आज मेरे साथ क्या हो रहा है। तेरी कसम खा रही है यार, सच ही होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। घबराओ मत, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, घर पे बात करते हैं। तू मुझे राधा की फोटो दिखा रहा है क्या? मर गई, ट्रक के नीचे आ गई राधा। चल मैं और एक बार कोशिश करती हूँ। फिर से आधी हो गई, और एक बार करती हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पिछले 2000 साल में ऐसा नहीं हुआ, मेरा जादू ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जादुई शक्ति कम हो रही है? लगता है बिक्के बाबू के घर में कोई नहीं आए। अच्छा मौका है चतुर बाबू, अंदर जाके इन्वेस्टिगेट करो। ये चतुर बाबू ना अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे, ऐसे ओले बरसाऊंगी इनके सर पे कि ये गंजे हो जाएंगे। फूलों की वर्षा हमारे ऊपर, मायरी कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि फाइनली भूत भी हमारे सम्मान कर रहे हैं। ये कैसे हो गया, फूल कहाँ से आ गए? भाई आज तो इस मौके पे बस बार बार एक शेर याद आ रहे हैं, जे बाहरों फूल बरसाओ मेरे महबूब आए हैं। 10 घंटा देरी से ही, किंतु क्या खूब आए हैं। बाबा बाबा। अच्छा चतुर बाबू, शेरो शायरी सुनने का बड़ा शौक है ना आपको, क्यों ना एक असली शेर बुलाया जाए आपका शेर सुनने के लिए? उड़ी बाबा, ये कौन आए हैं? अजय पप्पे, पप्पे आए हैं। क्यों करता है, क्यों भूख लगा है? दूध देंगे? चलो हम तुमको दूध पिलाते हैं। अच्छा अच्छा चलो, भूख को बाद में देखेंगे। तुमको एक सुपर हिट शेर सुनाए, पहाड़ों फूल बरसाओ। क्या हो रहा है? हाँ। जीनी जीनी प्लीज बाहर आइए। चूचू जी, चूचू मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ क्लियर क्लियर बताओ हुआ क्या है प्लीज। अच्छा ये कौन सा नया मजाक है? चूचू मैंने नहीं मंगाया। ओह तो ये एयर कोरियर है, हवा में उड़ते हुए आया है क्या ये सब? ये तो खाली है। हाँ अब बोलो क्या मजाक है ये?
वाह, अब तो आवाजें भी निकाल लेती हो तुम। वाह सुजू, मैं नहीं, इसमें क्या आवाज आ रही है? गोश्त बजूका, गोश्त बजूका। क्या बोल रही है ये? कहाँ गया ये? ये बोल क्या रहा था? गोश्त बजूका, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये होना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चीनी लाइन से मेरे लिए संदेश आया है, मुझे सावधान करने के लिए। किस चीज से सावधान करने के लिए? घुस बजूका। अरे कौन है घुस बजूका? I'm sorry चीनी। देखो जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि कौन था वो, तो मैं कैसे? For God's sake, who's this घुस बजूका? घुस बजूका एक ऐसा हफ्ता है जो 2000 साल में एक बार आता है, और इस हफ्ते में मुझ जैसी जीनी अपनी सारी शक्ति और ताकत खो देती है। फिर मैं गायब हो जाऊंगी और वापस कभी नहीं आ पाऊंगी, क्या हो गया है? आप हंस क्यों रहे हो? अरे हंसू मैं तो क्या करूं, तुमने मजाक ही ऐसा किया। जूजू मैं सच कह रही हूँ। सच? आपकी कसम। जिनी अगर अगर ये सच है तो तुम्हारी जाती हुई पावर को बचाए भी तो जा सकते है। मतलब इसका कोई तोड़ तो होगा? तोड़ तो है। तो तोड़ो ना। हा? बोलो ना। जूजू तुक्कू दादी ने मुझसे कहा था कि ऐसे समय पर शहर के बीचों बीच मुझे दिया जलाना पड़ेगा तो मेरी शक्ति मुझे वापस मिल जाएगी। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा था जिस समय से मेरी शक्ति गायब होना शुरू होगी उस समय से अगले 24 घंटों के अंदर मुझे दिया जलाना होगा वरना मैं गायब हो जाऊंगी। 24 घंटे? बापरे, मतलब वक्त बहुत कम है हमारे पास। हाँ जूजू, इसका मतलब कल सुबह के पहले हमें वो दिया जलाना होगा। अरे सुबह तक क्यों वेट करना है, मैं जाके बाजार से अभी दिया लाता, फट से जला देते हैं ना। जूजू वो वाला दिया नहीं, 2000 साल पुराना वाला दिया जलाना है। What? हाँ। इतना पुराना एंटीक दिया हम लाएंगे कहाँ से? सोचो ना। और मैं क्या सोचूं जीनी, तुम सोचो ना, तुम 2000 साल पुरानी हो। पता है कहाँ से? यहाँ से। मेरी दुनिया के संदेश, 2000 साल पुराना दिया कहाँ मिलेगा बताओ जीनी। हाँ। क्या बोला? जूजू इसने कहा कि 2000 साल पुराना दिया यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तुम्हारी ये संदेश बाबू को ये भी पूछो कि 12 किलोमीटर कौन सी दिशा में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या हवा में? पूछो पूछो। हाँ। ए मेरी दुनिया के संदेश, कुछ और बताओ, जैसे उस जगह का नाम, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगी? पूछो तो जाने, जहां पुराने सामान की भरमार है और यहां न कुछ बिकता है और ना कोई बेचने को तैयार है। ओ संदेश बाबू, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, सीधे सीधे जवाब दो ना। देखने में तो तुम मंदबुद्धि जैसे लगते नहीं, लेकिन तुम बातें मंदबुद्धियों जैसी कर रहे हो। Excuse me, mind your language। तुम्हें मैं मंदबुद्धि लगता हूँ? ठीक है, एक बार फिर पूछ। ठीक है, मैं सवाल फिर से दोहराता हूँ। जहाँ पुराने सामान की भरमार है और यहाँ न कुछ बिकता है और ना कोई बेचने को तैयार है। बोलो क्या बोलो? क्या हुआ मंदबुद्धि बच्चे, जवाब सूझ नहीं रहा? जवाब मिल गया,
सुन, वो जगह है हिस्ट्री म्यूजियम। हाँ जीनी, जहाँ पुराने जमाने के सामान देखने को मिलते हैं, लेकिन ना उसे कोई खरीद सकता है ना ही कोई उसे बेच सकता है। Am I right? सही जवाब। जीनी, let's go. चल चलो। हाँ, एक काम करते, हाँ। रास्ते से हम लोग विल्ला को भी ले लेते। क्यों? अरे एक से बने दो, दो से बने तीन, हेल्प होगी ना। अब क्या हुआ? जूजू, आप कितने केयरिंग हो, मैं तो इमोशनल हो गई। पहले दिया जलाए। हाँ, चलो। हाँ, चलो। बैठो। जूजू, ये म्यूजियम देखो, एकदम हमारे घर जैसा है। और वो देखो वहाँ, आपकी फोटो। मनबुद्धि, हम अपने ही घर में। हाँ? चलो टाइम वेस्ट मत करो, फिर से ट्राई करो। अच्छा। जूजू, हाँ? थोड़ी पावर तो चली गई है, थोड़ी सी शक्ति बाकी है, उसे इमरजेंसी के लिए रखते हैं ना। अच्छा, हाँ इसे बचा के रखो। वैसे भी हिस्ट्री म्यूजियम जो है ना, वो ज्यादा दूर नहीं है, गाड़ी में फटाफट पहुंच जाएंगे। लेट्स गो। चलो चलो। चतुर जी, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.